आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। नमस्कार, मैं हूं मनीष भदौरिया, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। माता के दरबार में भक्तों के श्रद्धा से सर झुक चुके हैं। आज नवरात्रि का सातवां दिन है और माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इसी दिन साधक का मन शास्त्रार्थ चक्र में स्थित रहता है। तो आज हम जानेंगे माँ कालरात्रि की महिमा और आपको ले चलेंगे चौक से माता काली के मंदिर, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। वहां पर हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं, सुहानी सिंह। लखनऊ के चौक जहाँ पे बड़ी काली मंदिर की स्थापना हुई थी, वहाँ पे माना जाता है कि ये जो स्थापना है वो शंकराचार्य ने 2000 वर्ष पहले स्थापना की थी। बड़ी काली मंदिर का जो इतिहास है वो भी बहुत ही रोचक है। कहा जाता है कि जब मुगल यहाँ के सारे मंदिरों को जब नष्ट कर रहे थे, तब काली मंदिर को भी नष्ट करने चले गए, तब यहाँ के जो पुजारी थे वो माँ की जो प्रतिमा थी वो कुएं में डाल दी। डालने के बाद फिर माँ के जो सपने आया था कि जो माँ की प्रतिमा है उनको स्थापना की, और स्थापना के भी बहुत ही बड़ी मोर्चा कहानी है। कहा जाता है कि जब माँ की यहाँ की स्थापना हुआ था तो स्थापना के समय 5 जानवरों का मूल्य पर स्थापित किया गया था, जैसे सांप आदि ऐसे कई जानवर थे जिनके मूल्यों पर स्थापना किया गया। कहा जाता है कि जो बड़ी काली मंदिर है वो बंगाली रीति रिवाजों से माँ की यहाँ स्थापना की गई थी, यहाँ की ये जो सिद्ध प्रतीक के रूप में माँ यहाँ पे विराजमान करती है। आपको बता दें कि ये जो बड़ी काली मंदिर है यहाँ की जो आरती, कहा जाता है कि अब जो आरती में आप 40 दिन लगातार अगर शामिल हो जाते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो श्रद्धालु है ये शारदीय नवरात्रि के दिन से ही यहाँ के जो पुजारी लाखों से हजारों की भीड़ में हमेशा दर्शन करने आ रहे हैं। और देखा ये भी जा रहा है, आप भी देखिए, आज शारदीय नवरात्रि का सप्तमी दिन है और आज कोई दर्शन करने का यहाँ पे दर्शकों की कोई कमी नहीं है। यहाँ के जो पुजारी है वो कह रहे हैं हजारों की भीड़ में दर्शन हो चुका है। तो अपने कहना में वो माँ की जो प्रतिमा है देखा जा रहा है कि आज पंडाल सजा हुआ है, माँ का दरबार सजा हुआ है और भक्तों और महिलाओं का साज श्रृंगार के साथ वहां पहुंची है माता के दर्शन करने के लिए। मैं चाहूंगा कि आप श्रद्धालुओं से भी थोड़ी सी बात करें और उनसे जानें कि माँ के लिए वो क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। पूरी राजधानी में इस नवरात्र में जगह जगह पर पंडालों का आयोजन किया गया है, बड़ी संख्या में जहाँ श्रद्धालु पहुँच के माता के दिव्य स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। माँ काली के दरबार में चौक में स्थित प्राचीन मंदिर में आज हमारी संवाददाता सुहानी वहाँ मौजूद हैं। सुहानी, मैं चाहूँगा कि आप वहाँ पे मंदिर के दर्शन हमारे दर्शकों को कराएं और वहाँ के भक्तों से बात करें। जी मनीष, हम यहाँ के भक्तों से बात करने की कोशिश की है, यहाँ के जो श्रद्धालु आए हैं उनसे भी बात करने के, लेकिन इतना यहाँ पे शोर है कि यहाँ से बात करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पुजारी उनसे हमने बात करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आज सुबह से हजारों लाखों के बीच में माता के दर्शन करने के लिए आज जाता लगा हुआ है। आज हर जगह दूर दराज से लोग आज दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पे बात करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ के प्रांगण को देख सकते हैं कि जिस तरह से फूलों और लाइटों से पूरा सजाया गया है। कहा जाता है कि यहाँ पे सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, सिर्फ शारदीय या चौत्र नवरात्रि में ही नहीं, जबकि सोमवार और शुक्रवार को ही दूर दराज के लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और इसी प्रकार से हजारों की संख्या में भीड़ लगी रहती है। सुहानी, मैं देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगी हुई है, माँ और माता के दर्शन करने के लिए महिलाएं भी काफी संख्या में वहाँ पे मौजूद हैं। आप बराबर कवरेज कर रही हैं तो आपने भी देखा होगा कि सुबह से ही लगातार तांता लगा हुआ है वहाँ पर। माँ के प्रसाद के रूप में
महिलाएं क्या लेकर आई हैं और महिलाओं की क्या माँ के प्रति श्रद्धा है, थोड़ा सा महिलाओं से बात करने की कोशिश करिए। हमने महिलाओं से बात करने की कोशिश, आइए एक यहाँ के जो श्रद्धालु माता मैम, आप जो आप पूजा करने जा रही हैं माँ की, क्या क्या प्रसाद के रूप में आप लेके जा रही हैं? नारियल ले जा रहे हैं, बिंदी ले जा रहे हैं, चूड़ी ले जा रहे हैं, माता काली खुशी ले जा रहे हैं। तो मैम आप कितने सालों से माँ बड़ी काली मंदिर की आप पूजा करने आ रही हैं? हम लोग 5 साल आते, कम से कम 25 साल से हो। माँ की कुछ ऐसी मान्यता जो है आप लोग इतने सालों से आ रहे हैं? हमारे ये परंपरा थी कि हम लोग शादी के बाद, जब शादी हुई थी उसके बाद हम लोग दर्शन करने पहली बार यहीं पे आए थे। हम लोग ये बड़ी तो सोमवार शुक्रवार को भी कहा जाता है यहाँ पे बहुत हजारों के संख्या में भीड़ होती है, तो आप लोग भी हर सोमवार शुक्रवार को ऐसे दर्शन करने के लिए आते रहते कुछ नहीं आते? ये तो आइए और भी यहाँ के जो माताएं हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं मनीष की, वो क्या क्या माँ के चढ़ाने के लिए लेकर जा रही हैं। तो मैम आप बताएंगे आप माँ से किसी चढ़ाव में क्या क्या ले रही हैं? आप माताओं के माँ की जो चढ़ावा है उसमें लाल रंग की ही आप चुनरी चढ़ा रही हैं, नारियल और माता के जो भोग है उसमें ये जो चढ़ा रही है माँ, प्रसाद और गुड़हल का फूल है, ये सारी जितने भी माताएं हैं उनसे हमने बात करने की कोशिश, सभी माताएं जो है ये नारियल और लाल रंग की चुनरी और माँ जो है ये चूड़ी, ये सभी माताएं हर प्रकार की जो श्रृंगार की जो चीज होती हैं वो सब काली माँ को यहाँ पे चढ़ावा किया जाता है। मैं जो थोड़ा माँ काली के प्राचीन मंदिर को दर्शन कराने की कोशिश करिए। जी बिल्कुल, तो आइए हम आपको माँ जो बड़ी काली माँ की जो मंदिर है जो यहाँ लखनऊ में माना जाता है कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, जो कि शंकराचार्य ने इसकी स्थापना किए थे 2000 वर्ष पहले के साथ। तो आइए उस प्राचीन मंदिर जो बड़ी काली माँ की हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये जो बड़ी काली मंदिर के जो प्रांगण है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ कितना लगा हुआ है, हजारों की संख्या में जो यहाँ के श्रद्धालु है वहाँ है। हम आपको माँ के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे, तो आप मैं कैमरा मैन से कहूंगी कि आप जूम करके माँ के दर्शन कराइए बड़ी काली माँ की। मनीष आप देखिए, आप बड़ी काली माँ की जो ये प्रतिमा है वहाँ पे लाल रंग की चुनरी भी चढ़ाया गया है, माँ को लाल रंग की फूल और उनकी जो मालाएं हैं वो भी लाल और जो पीले कलर की जो फूल होते हैं उनकी माँ की जो मालाएं बनाई गई है और उनका जो प्रसाद है वो आज भूरी के जो विशेष रूप से पकवान बनाया जाता है वही आज माँ को भोग लगाया जाता है। हाँ सुहानी, देख पा रहे हैं कि वहाँ पे माता के दर्शन के लिए भक्तों की बराबर भीड़ लगी हुई है और हर कोई माता का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। सुहानी, वहाँ के कुछ श्रद्धालु जो लाइन में लगे हैं उनसे भी बात करने की आप कोशिश कर सकती हैं। जी बिल्कुल, मैं आज बात करने की मान्यता बताइए विशेष जिसके वजह से आप जो नवरात्रि हो या भी भक्त का दर्शन कर चुके हो, अन्य भक्तों को दर्शन करने के लिए सभी से निवेदन है, हमारे सुरक्षा कर्मी और सेवादार जो भी दिशा निर्देश सहयोग प्रदान करें। तो आप देखिए नारियल फूल और सुहाग बीच में खड़े होकर फोटो न खींचे, आप सभी से निवेदन है कृपया बीच में खड़े होकर फोटो न खींचे, होता है व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग प्रदान करें। माता को अर्पित किया जाता है वो लाल रंग की अर्पित किया जाता है। यहाँ की मान्यता ये भी है कि जो ये बड़ी काली मंदिर है वो बंगाल के रीति रिवाजों के यहाँ पे पूजा किया जाता है। आज 7वां दिन है, माँ कालरात्रि का दिन है, माँ कालरात्रि का श्रृंगार पूजन पूरे लखनऊ में हो रहा है, जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं, जगह जगह माता के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु उमड़ पड़े हैं, तो आपने भी अलग अलग जाके वहाँ पे माता के दर्शनों वहाँ के पंडालों का आयोजन देखा होगा, वहाँ के लोगों से बात करी होगी, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। जी जी बिल्कुल, आप जानते हैं शारदीय नवरात्रि जो कि 25 जो कि 26 सितंबर से शुरू हुआ है और जो 5 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा, लखनऊ में राजा की पंडाल और अलग अलग रीति रिवाजों में शारदीय माँ की पूजा किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही धूम
धूमधाम से शारदीय नवरात्रि मनाया जा रहा है, क्योंकि इस बार 2 साल के बाद हम शारदीय नवरात्रि बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। कोरोना की वजह से हम नवरात्रि नहीं मना पाए, इसी वजह से इस बार जो श्रद्धालु है बहुत ही अच्छे तरीके से और उत्साहित होकर इस बार शारदीय नवरात्रि मना रहे हैं। जी सुहानी, मैं देख पा रहा हूँ कि पीछे से माता के जयकारे लग रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु हैं वो सिंधी अपने सर पे बांधे हुए हैं और माँ के जयकारे लगाते हुए माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इनका प्रसाद तो आगे बढ़ रहा है, सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रसाद लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर प्रांगण में सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी से निवेदन है, अपने बच्चे को हाथ पकड़ के रखें, अपने कीमती सामान का मोबाइल के आगे करके सुन करें। सुहानी, आप थोड़ा कोशिश करिए कि आप ऐसी जगह पे जाके श्रद्धालुओं से मुखातिब हो पाए जहाँ पे लोग अपने मन की बात आपसे कर पाए, क्योंकि जो आवाजें आ रही हैं उसकी वजह से थोड़ा सा आपकी आवाज डिस्टरबेंस आ रहा है उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कोशिश भी किया यहाँ पे कि जाके लोगों से बात करें, लेकिन यहाँ हर जगह माइक लगी हुई है और यहाँ पे हर जगह माँ की जयकारे हो रहे हैं, तो आवाज क्लियर नहीं आना बहुत ही मुश्किल होगा। तो मैं कोशिश कर रही हूँ यहाँ के जो श्रद्धालु इनसे बात करने की, किस प्रकार से आप माँ के दर्शन करने हैं, कितने सालों से यहाँ पे आ रहे हैं? बड़ी लगातार 5 साल से आ रहे हैं जी। यहाँ के कुछ आप बताएंगे विशेष कि आप क्या मनोकामना है? मनोकामना हमारी आरती हम अमील होते हैं हर को आके। कहा जाता है कि यहाँ पे आप 40 दिन अगर माँ की जो आरती में आप शामिल होते मनोकामना पूरी हो जाती है, ये मान्यता है क्या? आइए और भी लोगों से बात करते हैं। दादी, आप माँ के जो दर्शन करने कितने सालों से आप आ रहे हैं यहाँ पे? हम लोग तो बचपन से रोज हमारा दर्शन और बहुत आस्था है माँ में, ये हमारा पूरा करती है। तो अभी तो 8 बज रहा है, आपको को इतने ताता भी लगा हुआ है दर्शन करने के लिए, तो दादी आप क्या क्या माता की चढ़ावा में लेके जा रहे हैं? है ये नारियल है, नारियल फल और ये भी देखिए गुड़हल के फूल चूड़ी सारी श्रृंगार की चीज जो है वो लेके जा रहे चढ़ावा के लिए। आइए और भी लोगों से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे कि कितने सालों से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। सर आप बताएंगे कि आप माँ के दर्शन कितने सालों से कर रहे हैं? हर साल आते हैं, तो आप माँ की चढ़ाव में क्या क्या लेके जा रहे हैं? आप नारियल और माँ की सिंदरी और सिंगार की चीज है। मनीष आपको बता दें यहाँ पे जितनी भी श्रद्धालु है सभी माँ के लाल रंग की ज्यादा प्रयोग करें, माँ की चढ़ावा सिंगार की हर चीज माँ को चढ़ाया जा रहा है वो लाल रंग की, यहाँ तक की जो फूल है लेके। सुहानी, आपको बता दूं कि नवरात्र का जो पावन दिन होता है इसमें श्रद्धालुओं के लिए सिद्धियों के भी दिन होते हैं। इसमें माँ कालरात्रि की रात्रि को पूजा भी ये लोग करते हैं सिद्ध माँ को सिद्ध करने के लिए, ताकि माँ का आशीर्वाद बना रहे और उनकी जो मनोकामनाएं हैं वो पूरी होने। जी बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे जो जितने भी लोग आ रहे हैं कह रहे हैं कि हम 6 साल 7 साल सबका यही कहना है कि जो माँ की जो यह सबसे लखनऊ के जो 155 साल पुराना 2000 वर्ष पहले ही माँ की स्थापना हुआ था, यहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं कह रहे हैं हम 6 साल 7 साल से आ रहे हैं, माँ की बड़ी प्रतिमा जो मनोकामना यहाँ पे हम लोग मांगते हैं वो पूरा होता है। यहाँ पे जो भी पुजारी है उनका भी कहना है कि यहाँ पे बहुत ही आस्था और लगन से यहाँ पे जो भी पूजा करता है उनकी मनोकामना जरूर पूरा होती है। सुहानी, मंदिर के जो व्यवस्थापक है, जैसा कि मैं देख रहा हूँ पीछे व्यवस्था में लगे हुए हैं, मैं चाह रहा हूँ पुजारियों से भी थोड़ा सा बात करने की कोशिश करिए जो आपके पीछे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए क्या व्यवस्था किया गया है? चलिए चलिए, आप चलिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में यहाँ इनकी ख्याति थी,
इस्लाम का जब आक्रमण हुआ है, इस्लाम के आक्रमण में जो है ना, मंदिर के मूर्तियों को, विग्रह को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ के पुजारियों के द्वारा जो है ना, मूर्ति को जो है यहाँ स्थित जो है कुआं है वहाँ रख दिया गया था, छुपा दिया गया था। कुछ समय के बाद जब उनको निकाला गया तो काली जी के रूप में वहाँ से निकली। कहा जाता है कि ये जो बंगाल की रीति रिवाज और माँ के सिद्ध पीढ़ी के रूप में माँ यहाँ पे विराजमानी, ये भी इतिहास में सत्यों को मानना ये भी है। और यहाँ पे बलि की प्रथा होती थी, अब समय के साथ बलि की प्रथा रोक दी गई है, अब सिर्फ जो पांच जो स्थल होते हैं उनकी बलि दी जाती है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। प्राचीन समय में जो हमारा वैदिक रीति रिवाज से जो बलि की प्रथा रही है, वो बलि की प्रथा यहाँ पे थी। और क्योंकि आप जैसा बोल रही है वो बिल्कुल सही है, तो बहुत शुद्ध पीठ है जो इनका मुख्य शाखा बोधगया मठ है, वहाँ भी बलि की प्रथा रही है। और जो काली जी की प्रतिष्ठा होती है, जो देवी शक्ति की उपासना जो करने की होती है, तो जो जो वेदों के रीति से जो शक्ति की उपासना का जो विधि है, उसी विधि से यहाँ हमेशा से होते रहा है, ऐसी मान्यता रही है। और अभी जीवित व्यक्ति भी यहाँ पे है कि जो अपनी जीवा काट के चढ़ा देते थे और माता जी प्रसन्न होकर उनके मनोकामना देने के साथ साथ वो अंग भी उनको वापस जुड़ जाता था, ऐसी मनोकामना। ये भी माना जाता है कि यहाँ की जो 40 दिन लगातार माँ के आरती में जो शामिल रहते हैं उनकी मनोकामना को पूर्ण होती है, क्या सही है? बिल्कुल सही है। अभी आप यहाँ के स्थानीय या फिर लखनऊ के आसपास जिले के भी जो श्रद्धालु हैं उनसे अगर ये बात आप पूछेंगी तो ये स्वाभाविक जो है और बहुत जन प्रचलित विषय ये है कि ऐसी मनोकामना पूर्ति होती है, आज भी होती है। तो यहाँ पे माँ की कोई विशेष अलग रूप से जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है प्रसाद, कुछ इसके बारे में बताइए। देखिए जो काली जी का विषय जो है यहाँ पे, जैसा जैसा विषय में जो व्यक्ति मनोकामना मांगते हैं उनके अनुरूप जो है ना वो यहाँ पे चढ़ावा चढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए कि काली जी का के पास में कोई जो है वो आँख के संबंधित समस्या के लिए आते हैं, तो उसके लिए वो जो है आँख की पुतली जो है माता जी को चढ़ाते हैं, कुछ सिंहासन करते हैं, कुछ छत्र दान करते हैं, क्योंकि यहाँ विशेष रूप से मुंडन की परंपरा रही है। तो हर रोज माँ के प्रसाद में कुछ क्या क्या चढ़ाया जाता है वो बताइए उसके बारे में। उसमें जो विशेष रूप से फल फूल माता जी का विशेष जो है भोग लगता है, तीन समय जो सामान रूप से जो देवी काली जी की जो उपासना पद्धति वेदों में है और जो वर्णन आता है कि भाई किस प्रकार से इनको जो है भोग लगाया जाएगा, उपासना पद्धति होगी उन्हीं के अनुरूप यहाँ पे होता है। तो आप कितने सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं, कुछ बताइए। जिस संस्था से संबंधित मठ है, मैंने आपको बताया कि जो बिहार स्थित बोधगया मठ है, पूरे उत्तर भारत का सबसे बड़ा मठ रहा आजादी के पहले, इसकी जो शाखा मंदिर शाखा मठ है, तो हमारे गुरु जी और हमारी संस्था तो जो है 2500 वर्षों से श्री काली जी मंदिर की व्यवस्था और देखभाल कर रहे हैं। तो विशेष प्रयोजन से वहाँ से बोधगया मठ से जो है महात्मा यहाँ पे आते हैं, जैसा कि अभी मैं बोधगया मठ से यहाँ पे आया हुआ हूँ। और अभी प्रतिपदा से लेकर के नवरात्रि तक में जो कलश स्थापना होता है, हम लोगों ने कलश स्थापना किया है और यहाँ काली जी की पूजा पद्धति के लिए भगवान आदि गुरु शंकराचार्य ने जो परंपरा चलाया है उस परंपरा से ही यहाँ पूजन होता है। मार्कंडेय पुराण का अंश है दुर्गा सप्तशती, दुर्गा सप्तशती का यहाँ संपुट के साथ में पाठ किया जाता है। अन्य स्थानों में दुर्गा सप्तशती में जो 700 श्लोक है उसमें कुछ श्लोकों को छोड़कर के पाठ किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो बोधगया मठ है इसमें जो आपका दुर्गा सप्तशती है तो दोनों संपुट के साथ में यहाँ पे पूजा होती है। और इसी से यहाँ के मंदिरों की मान्यता है कि यहाँ का जो है मनोकामना पूर्ण होती है। और विशेष तौर से अष्टमी तिथि को कल जो है यहाँ पे जब मंदिर की स्थापना हुई थी तो भगवान शंकराचार्य ने यहाँ पे दो अष्ट धातु की मूर्ति स्थापित की थी, तो विशेष तौर पे साल भर में दो बार इनको निकाला जाता है। तो कल जो है यह अष्टधातु की माता की मूर्ति है वो निकाला जाएगा और विशेष विधि से उनकी जो है अभिषेक होगा। अभिषेक के बाद में जो है दो चार ब्राह्मण मिलकर के जो पूजा पाठ करेंगे और सम्मान धर्तों के लिए जो है गर्भगृह में रखा जाएगा, जो कल 9 बजे से लेकर के रात्रि तक जो है वो माता जी की मूर्ति होगा। तो आपने देखा मनीष कि गुरु जी का कहना है कि यहाँ पे जो भी इतिहास है वो सत्य है, यहाँ पे जो भी मनोकामना या आरती में 40 दिन लगातार शामिल हो जाते हैं उनकी जो मनोकामना है पूर्ण हो जाती है, यहाँ पे जो हर इतिहास है वो
सत्य है और यहाँ पे जो गुरु शंकराचार्य है वही 2000 वर्ष पहले यहाँ की स्थापना किए थे और उनका कहना है कि वो भी जो है यहाँ पे बहुत दिनों से पूजा कर रहे हैं और यहाँ जो भी मनोकामना मांगते हैं वो। जी सुहानी, आपको थोड़ा रोकना चाहेंगे, हमारे साथ रामलीला मैदान ऐशबाग से हमारे साथ हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, क्या मनोहरम दृश्य आपको वहां का मिल रहा है इस समय? पीछे आपके देख पा रहा हूं कि बहुत खूबसूरत पंडाल सजा हुआ है और माता के दर्शन करने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो रहे हैं। रामलीला मैदान में खड़े हैं जो कि लखनऊ के ऐशबाग में है। आपको बताया कि इस मैदान में माना ये जाता है कि यहाँ का जो रामलीला का मंचन है, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरे नवरात्रि रामलीला का कार्यक्रम चलता है, मंच सजा हुआ है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुछ ही देर के अंदर जो रामलीला के कलाकार हैं वो अपने कला से यहाँ के जो तमाम आसपास के लोग हैं, साथ ही साथ दूर दराज से इस मैदान में लोग रामलीला देखने आते हैं, उनकी जो रामलीला है उसको देखेंगे। साथ ही आपको बताया मनीष जी कि ऐशबाग का जो ये मैदान है इसका 400 साल पुराना इतिहास रहा है। अगर बात की जाए तो नवाबों के समय में अगर देखें तो ये नवाबों के समय से पहले से यहाँ रामलीला होती है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो जो लखनऊ में गंगा जमुना तहजीब की बात कही जाती है कि जहाँ हिंदू मुसलमान सभी धर्म एक साथ मिलकर रहते हैं, तो इसका जीता जागता उदाहरण कहीं ना कहीं ऐशबाग है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जब नवाब सिराजुद्दौला हुआ करते थे यहाँ के नवाब, उस वक्त विशेष रूप से जो यहाँ की रामलीला कमेटी थी उसको रामलीला में मंच जो भी कलाकार अपने प्रदर्शन को मंच को दिखाते थे उनकी हम हौसला अफजाई के लिए, साथ ही साथ रामलीला का बेहतर ढंग से व्यवस्थित ढंग से चल सके इसको लेकर जो लखनऊ के नवाब रहे हैं उनका भी विशेष लगाव रहा है। साथ ही आपको बताएं कि माना यह जाता है कि रामचरितमानस के जो रचयिता है वो गोस्वामी तुलसीदास, उनके द्वारा जो रामचरितमानस लिखने के बाद उन्होंने ये पढ़ लिया था कि अभिनय करके और जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके ठीक बाद कहीं ना कहीं देखा जाए तो लखनऊ का ऐशबाग भी एक उदाहरण रहा है जहाँ से सबसे पहले अगर बात की जाए प्राचीन समय से रामलीला का मंचन हुआ करता था। वहीं अगर बात की जाए तो इस मैदान में जब कोरोना काल के ठीक पहले लगभग अगर देखा जाए तो 2016-17 में प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ लंका जो लंकापति रावण का दहन होता है जो दशहरे के दिन, उस दिन यहाँ प्रधानमंत्री सम्मिलित हुए थे। साथ ही देखा जाए तो यहाँ हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु होते हैं वो रामलीला का जो मंचन होता है उसे देखने आते हैं। अभी अगर देखा जाए तो रामलीला का जो कार्यक्रम है 9 बजे से शुरू होगा। अभी अगर बात करें तो फिलहाल भजन कीर्तन हो रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अलग अलग जगह से आए श्रद्धालु आकर अपने श्रद्धा को लेकर यहाँ तमाम जो जागरण हो रहा है, तमाम जो चीजें हो रही है प्रदर्शन कलाकार कर रहे हैं उसको देख रहे हैं और 9 बजे से रामलीला की शुरुआत की जाएगी। वहीं आपको बताएं कि जो रामलीला मैदान है लखनऊ का ऐशबाग, इसका काफी अगर देखें प्राचीन समय में इतिहास के झरोखों में एक बहुत ही बड़ा नाम हुआ करता था। क्योंकि अगर देखें जब देश आजाद हुआ 1947 में तो कहीं ना कहीं वहाँ उस वक्त लोगों ने आजादी के जश्न को मनाते हुए कहीं ना कहीं रामलीला का भव्य यहाँ आयोजन किया था, जिससे कहीं ना कहीं पूरे देश भर में रामलीला मैदान की पहचान हुई थी। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं जो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में लोग मौजूद हैं आस पड़ोस के, साथ ही साथ दूर दराज से लोग आए हुए हैं और सब अगर देखें तो सब अपने पलकों को बिठाकर रामलीला के जो कला है, जो रामलीला का मंचन है, जो आज अगर देखा जाए तो आज रामलीला का जो कार्यक्रम होगा उसको देखने के लिए लोग यहाँ काफी व्याकुल है बैठे हुए हैं। जी मनीष जी, हिमांशु, क्या वहाँ पे कुछ श्रद्धालुओं से आप बात कर सकते हैं? वहाँ का जो दृश्य दिखाई दे रहा है तो बड़ा मनोहरम दृश्य है, वहाँ का माता का दरबार भी बड़ा खूबसूरत सजा है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और रामलीला का मंचन भी देखने के लिए। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा कोशिश करिए कि कैमरामैन उन दृश्यों को फिल्मा पाए और श्रद्धालु से भी कुछ बात हो पाए। जी बिल्कुल मनीष, मैं आपको बताऊँ कि अभी अगर बात की जाए तो धीरे धीरे श्रद्धालु अपने जो पाठ है, जो रामायण का पाठ है उसको सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं।
वहीं हम यहाँ मौजूद लोगों से भी बात करेंगे। देखिए आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक अपनी अगली पीढ़ी को रामायण से रूबरू कराने के लिए, साथ ही साथ जो रामायण में जो तमाम सकारात्मक चीजें हैं उसको बच्चों को भी अपने स्मरण कराने के लिए यहाँ तमाम गार्जियन आए हैं। तमाम देखे तो अलग अलग वर्ग के लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, बूढ़े आए हैं और छोटे बच्चे भी आए हैं। हमारे साथ उनके गार्जियन हैं। हमें ये बताएं कि रामलीला मैदान का अगर देखें तो देश भर में काफी नाम है, काफी प्राचीन समय से ये रामलीला यहाँ पाठ होता है, कुछ इसके बारे में बताएं। ये तो परंपरा चली आ रही है रामायण के, वही बच्चों को भी दिखाने लाए हैं कि वही बच्चों को भी दिखाने लाए बड़े वो रामलीला किसे कहते हैं। एक भगवान की लीला है जो बच्चों को दिखाने लाए हैं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम है प्रेषिता सिंह। आप रामलीला देखने आई हैं? हाँ। किसको देखना पसंद करेंगे? रामलीला आप देखने आई हैं? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग वर्ग के बच्चे भी आए हैं, साथ ही अगर बात करें हमारे साथ एक और नन्हा बालक है, इससे बात करेंगे, ये भी रामलीला देखने आए हैं। बेटा आप रामलीला देखने आए हैं, रामलीला में आपको कौन पसंद है? राम। राम। अच्छा अगर बात की जाए तो आप हमें कुछ चीजें बताएं राम जी के बारे में। कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बालक साफ तौर से कह रहा है कि हम राम का जो पाठ होता है उसे देखने आए हैं। साथ ही अगर आपको दिखाना चाहेंगे मनीष जी कि यहाँ धीरे धीरे जो तमाम श्रद्धालु हैं उनकी भीड़ उमड़ती जा रही है। लोग अभी अगर देखें तो 9 बजे से रामायण का पाठ शुरू होगा, उससे ठीक पहले हम अलग अलग लोगों से बात करेंगे और यहाँ की जो रामलीला है जो सदियों पुरानी है, 400 साल पुरानी बताया जाता है मान्यता के अनुसार कि 400 साल पहले से यहाँ रामलीला होती है। साथ ही अगर बात करें तो तमाम जो गंगा जमुना तहजीब है, चाहे बात की जाए देश की आज़ादी के समय की रामलीला, ये एक अलग पहचान रखती है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि आज रामलीला का महत्व कितना है, आगामी जो अगली पीढ़ी है उसके लिए रामलीला का कितना महत्व आपके मुताबिक। अच्छा है भैया, अच्छा रहेगा भैया, अगले पीढ़ी में बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा दादा अपना नाम बताएं और कहां से आए आप? रामनगर से, एस बाग रामनगर। अच्छा हम ये बताएं कि ऐश बाग की जो रामलीला होती है ये देश में प्रसिद्ध है, साथ ही साथ ऐतिहासिक तौर पर इसकी पहचान है, 400 साल पुरानी बताई जाती है, इसके बारे में कुछ बताएं। पुरानी तो है ही, इसके बारे में हम क्या बताएं, सबको मालूम है। अच्छा हमें ये बताएं कि आज की जो पीढ़ी है उसके लिए रामलीला कहाँ महत्व रखता है, उसका क्या उपयोग है, उसमें सकारात्मक चीजें हैं जो जीवन में तमाम जगहों पर उपयोग आती हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, इस पर आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, अच्छी बात है, आने वाला पीढ़ी और आगे बढ़े, आने वाली पीढ़ी और आगे बढ़े। तो मनीष जी हम साफ तौर से यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं जिसमें साफ तौर से लोगों का कहना है कि जो आने वाली पीढ़ी है उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो सीख है वो मिलेगी और राम के जो मर्यादा पुरुषोत्तम का जो राम का चरित्र रहा है वो एक आम मानव के जीवन में उसे सद्भावना सिखाएगा। जी जी हाँ, युवांशु सुनने में आ रहा है पीछे से बड़ा मधुर संगीत और मधुर भजन यहाँ तक आवाज़ हम तक पहुँच रही है और दर्शकों तक भी पहुँच रही होगी। अब श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है माता के दरबार में आने के लिए और रामलीला का मंचन देखने के लिए। मैं चाहूँगा कि आप कैमरामैन से थोड़ा सा आगे जाके उस भव्य दरबार को भी दिखाने की कोशिश करिए जो श्रद्धालु उसको देख सके। जी बिल्कुल मनीष जी, आपको हम दिखाना चाहेंगे ठीक आप सामने मंच है जहाँ से कलाकार अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित कर रहे हैं और ठीक ऊपर जो मंच बनाया है वहाँ वो सेट है रामलीला का। आप देख सकते हैं कि वहाँ कई ऐसे जो महंत है, पुजारी है, वो रामायण की पाठ कर रहे हैं। अपने सहयोगी से कहूँगा कि आप दाहिने साइड में दिखाएं कि यहाँ रामचरितमानस का जो पाठ है वो लगातार जब तक रामायण खत्म नहीं होता है तब तक श्रद्धालुओं के द्वारा यहाँ पे पढ़ा जाता है और उस जो पुनित ग्रंथ है उसमें जो तमाम चीज़ें हैं उसको हर एक दिन एक पाठ स्वरूप यहाँ पर मंच पर प्रदर्शित किया जाता है। और कहीं ना कहीं अभी देखें तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि धीरे धीरे लोगों की संख्या में बढ़ोतरी होती जा रही है और अब बात करें तो साफ तौर से जो युवा पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं
रामायण उनके लिए एक अलग पहचान है, और इस रामायण की खास बात एक और है। मनीष जी, आपको बताएं कि कोविड काल के दौरान इस रामायण का संचालन बंद हुआ था, क्योंकि कहीं ना कहीं अपना देश और साथ ही साथ विश्व कोरोना की महामारी को झेल रहा था। और आपको बताना चाहेंगे कि उस वक्त भी रामायण का संचालन किया गया था, मगर उसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, चाहे बात की जाए यूट्यूब, चाहे बात की जाए ओटीटी के हर एक प्लेटफॉर्म पर ये रामायण उपलब्ध था। वहीं आप हम कुछ और लोगों से बात करेंगे जो ठीक सामने आ रहे हैं, ये लोग भी रामायण देखने आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर देखें तो हम आपसे बात करना चाहेंगे। आप अपना नाम बता दें। विनोद कुमार। अच्छा, हमें ये बताएं कि रामायण जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कितना मायने रखती है, क्या क्या चीज़ें सिखा सकती है? अच्छा करेगी बीजेपी। अच्छा, आप देख सकती हैं कि यहाँ एक बच्ची भी आई है जो रामायण देखने आई है। सबसे पहले अपना नाम बताएं और हमें ये बताएं कि आप युवा हैं, रामायण का जो पाठ है और रामायण है ये अपने आपके जीवन में क्या महत्व रखता है और इससे क्या क्या मनोबल बढ़ता है? रामायण और महाभारत दोनों हमारे जीवन में बहुत बहुत महत्व रखते हैं। जैसे कि महाभारत में हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती है कि कैसे हमें जिंदगी जीनी है, हर चीज़ के सवाल उसमें दिए गए होते हैं, जैसे अर्जुन और सारे हो गए थे, उसमें बहुत सारी सीख मिलती है कि किस तरह जीवन जीना है, सच बोलना है, हमारा जो धर्म होता है वो सनातन धर्म है। और ये बताएं आपको हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे हिमांशु, का कौन सा कैरेक्टर, कौन सा किरदार पसंद है? राम जी। जी, तो साफ तौर से आप देख सकती हैं कि यहाँ हर एक वर्ग हिमांशु, आपको रोकना चाहेंगे, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है। तो साफ तौर से उनका कहना है कि रामायण में जो किरदार है उसमें जो तमाम मनोबल बढ़ाने वाली चीजें हैं उसको हम स्मरण करके और अपने हमारे साथ जानकीपुरम से हमारे अगले संवाददाता रितेश मौजूद हैं। रितेश, माँ का सातवां दिन है, माँ काल रात्रि का दिन है, नवरात्रि का शुभ दिन चल रहे हैं इस समय, बड़ी संख्या में भक्त वहाँ मौजूद हैं और माँ के पंडाल के दर्शन कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। आपके साथ वहाँ के प्रबंधक इस समय मुझे दिखाई दे रहे हैं। मैं चाहूँगा माता के से संबंधित और इस पंडाल से संबंधित चीजों के बारे में थोड़ा जानकारी लीजिए। यहाँ पर भव्य माता का दरबार सजाया गया है और यहाँ का जो सबसे बड़ा जो देखने का केंद्र बना हुआ है वो नाव पर, एक नाव की थीम पर यहाँ के माता के पंडाल को सजाया गया है और तकरीबन 20 से 25 दिन यहाँ लगे हैं इस पंडाल को सजाने में। यहाँ के जो सद्भावना सांस्कृतिक मंच के जो भी लोग, जो पदाधिकारी हैं, जो भी लोग हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनत करके और इस भवन को सजाया है और ये पूरा नाव पे, पूरी नाव की थीम पर ये भवन सजा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार माता जी के दरबार को दिखाने की कोशिश करें कि किस तरीके से भवन सजाया गया है। नाव के ऊपर ये भवन सजाया गया है, नाव पे ये भवन पूरा सजाया गया है। आप देख लीजिए किस तरीके से पूरा भव्य दरबार ये सजा हुआ है और आपको ये देखने को मिलेगा कितने श्रद्धालु यहाँ पे इस वक्त मौके पे मौजूद हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा माता जी का दरबार किस तरह लगा हुआ है, कैसे श्रद्धालु, किस तरह से श्रद्धालुओं का तराता लगा हुआ है। माँ के दरबार में आने के लिए सभी लोग आ रहे हैं। आप देखिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर हैं, हजारों की संख्या में यहाँ पे लोग मौजूद हैं और दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं पूरा किस तरह से नाव पे ये पूरा बनाया गया है। इसका जो थीम दिया गया, इसका जो रूप दिया गया, जो प्रारूप दिया गया पूरा नाव की थीम पर दिया गया हुआ है जिसमें माँ सवार बैठी हुई है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ पर ये होगा कि आप देख रहे हो कि जब माता जी का जब दरबार यहाँ लगा था, जब माँ आई थी पहले दिन तो उनको हाथी पे लेकर के आया गया था और जो इनका विसर्जन होगा वो नाव पर होगा। आप देख सकते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे एकत्रित हैं और अभी हम आपको कुछ लोगों से बात भी कराएंगे जिन्होंने यहाँ पर इस दरबार को सजाने में पूरा योगदान अपना दिया है। मैं आपको दिखाऊंगा, हमारे साथ कुछ लोग बात करने के लिए मौजूद हैं। ये हमारे अध्यक्ष जी हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने इस सारे क्षेत्र में जो पूरा दर्शन कराते हैं, सांस्कृतिक जो मंच इन्होंने सजाया है, जो किया है, सद्भावना सांस्कृतिक मंच से है। आइए हम बात करते हैं किस तरीके से यहाँ पे आपने इस दरबार को लगाया है। कोरोना के बाद ये अभी 2 साल के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है, कोरोना के बाद 2 साल के बाद पूरे सहारा स्टेट, हमारे जितने लोग सहारा स्टेट पदाधिकारी यहाँ पे जगह हमारे जो मुख्य आयोजक करता है सुनील भैया,
अरविंद भैया, उन सभी लोगों का, हम सभी लोगों का मेहनत है, एक महीना कड़ी मेहनत के साथ जो हमारे 30 लेबर 30 कारीगर मिल करके इस पंडाल को बनाए हैं, बहुत मेहनत किया, 15 दिन में इस पंडाल को बनाए, जबकि बहुत बारिश हो रही है, भयानक बारिश, उसके बावजूद भी हम माँ के आशीर्वाद से, माँ का आशीर्वाद यही है कि हम इस पंडाल को। हमारे साथ लखनऊ जल कल्याण महासमिति के उपाध्यक्ष विवेक शर्मा जी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे कि आप भी यहाँ के निवासी रहे हुए हैं, अभी भी आप यहाँ पर रहते हैं, तो क्या आपको लगता है यहाँ जो कोविड के बाद में जो अब की बार ये इतना भव्य दरबार यहाँ सजा गया है, क्या लगता है आपको कितनी यहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी की गई? लगातार 21 वर्षों से यहाँ पर संघर्ष चल रहा है, केवल 2 साल जो कोरोना का था उसमें यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम नहीं हो पाया था, पूरे देश और प्रदेश में भी हालत थी, लेकिन जो इस समय पर मेहनत सुनील जी और हमारे पांडे जी ये लोग सब भाइयों ने मिलकर की है वो देखते ही बनती है, बहुत अच्छा सुंदर छटा यहाँ पर दिखाई दे रही है सारा स्टेट की, और हम तो माता से यही कहेंगे और इससे अच्छा हो। और हमारे साथ बात करने के लिए और मौजूद है जो यहाँ सांस्कृतिक सद्भावना सांस्कृतिक मंच पे हैं सुनील जी, आइए हम उनसे बात करते हैं, क्या कैसे आप लोगों ने तैयारियां की, किस तरीके से यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं कैसे इन लोगों की व्यवस्थाएं करी? देखिए अगर मैं इसके पूरे पूजा की बात करूं तो 2 वर्ष यहाँ पर कोविड की वजह से पूजा नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों में एक निराशा थी, और कोविड के बाद हम लोगों को भी प्रशासन की गाइडलाइन को फॉलो करना था, जिसकी वजह से हम लोगों ने भी ये 2 साल पूजा का आयोजन नहीं किया, लेकिन ये पूजा का 22वां साल है और 2001 से लेकर के इसके स्तर को लगातार हम लोग बढ़ाते रहे हैं, जैसे आप हम लोग हमेशा ये बात करते हैं दुर्गोत्सव की बात करते हैं, तो यहाँ के माँ के पंडाल के साथ साथ ये एक हम लोग उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं, यहाँ पर 50 स्टॉल लगे हैं जिसमें हर तरीके के चाइनीज हैं, महाराष्ट्रियन फूड है, राजस्थान से लोग आए हुए हैं, नमस्ते इंडिया है, कोका कोला है, हर तरीके के लोगों को यहाँ पर हर सुविधा उपलब्ध है, जो जिस रूप में पैसे खर्च करना चाहता है उस लेवल के यहाँ पर स्टॉल है, और इसको हम लोग एक उत्सव की तरीके से मनाते हैं, और जैसा कि आपको पहले भी बताया कि यहाँ पर जो हम लोगों का माँ का आगमन इस बार हाथी पे हुआ था और उनका जो गमन है वो नाव पे है, इस वजह से इस थीम को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस पंडाल को सजाया हुआ है, और जैसा कि आपने पूरे शहर में देखा होगा कि लोग मंदिरों का वो करते हैं, हम लोगों ने नाव का एक नया वो सोच थी और उसको साकार किया, और इसी तरीके से यहाँ के श्रद्धालुओं ने उसको एक्सेप्ट किया, लगातार बधाइयां आ रही हैं, तो ये विगत 21 वर्षों से जो हम लोग कार्य कर रहे थे आज 22वां साल है, और यहाँ पर सद्भावना सांस्कृतिक समिति की मेहनत और सारे लोगों की मेहनत की वजह से यह कार्यक्रम आज इस रूप में आप देख रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सद्भावना सांस्कृतिक जो समिति है उन लोगों ने इस चीज का आयोजन किया कोविड के बाद, लगातार ये 22 साल से यहाँ पे आयोजन किया जा रहा है, 22 साल के बाद अगर ये बीच में कोविड को माने तो कोविड में बीच में ये दुर्गा पूजा नहीं हो पाया था, सभी जगह नहीं हो पाया था, यहाँ भी नहीं हो पाया था, लेकिन उसके बाद बहुत भव्य व्यवस्था यहाँ की गई है, नाव पर माता जी को सवार किया गया है, नाव से विसर्जन होगा, बहुत ही अच्छी व्यवस्थाएं हैं। मनीष नितेश, मैं चाहूंगा थोड़ा सा महिलाओं के पास जाके उनसे भी माता के प्रति उनकी श्रद्धा के भाव को आप जानने की कोशिश करिए, और वहां जो खूबसूरत पंडाल लगा हुआ है उसका भी दृश्य मैं चाहूंगा कि दर्शकों को दिखाइए। मैं बिल्कुल जरूर बात कराऊंगा, मैं कुछ महिलाएं भी यहां पे खड़ी हैं, मैं उनसे बात करूंगा और मैं पूछूंगा, एक माता जी आप माँ का दर्शन करने यहाँ पे आई हैं, क्या अरमान है आपके मन में, क्या क्या आशा लेकर के आप दरबार में आई हैं माँ के पास? तो ये हमारे साथ माता जी जुड़ी थी, इन्होंने कहा कि हमारी कोई आशा नहीं है, हम भक्ति के साथ जुड़े हैं, माँ के दरबार में माँ की पूजन करने आए हैं, और मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार माँ का भव्य दरबार दिखाएं, आप देख सकते हैं किस तरह से माँ का ये भव्य दरबार सजाया गया है, लगभग 20 से 25 दिन इस कार्यक्रम को, इस दरबार को बनाने में लगा है, और सभी जो श्रद्धालु थे यहाँ भक्त बड़ी ही शिद्दत के साथ माँ के दरबार को सजाए हैं, आज कालरात्रि का दिन है और आप देख सकते हैं माँ का ये सुंदर सा दरबार। रितेश, आप माता के दरबार को दिखाने के बाद अपने स्थान पे खड़े रहिएगा, हम अपने और जो हमारे संवाददाता हैं उनको भी साथ में लेंगे, जोड़ेंगे और उनसे भी माता के दरबार और पंडालों के बारे में जानकारी लेंगे। आगे करवा रहा हूँ।
विभांशु विभांशु आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है जी बनी सी यार आप विभांशु खाने लाते आप वहां पे इस समय मौजूद हैं और वहां के भव्य दृश्यों को आप देख पा रहे हैं इस समय क्या वहां पे मंचन होने जा रहा है और वहां पे जो भी वहां का मनोरम दृश्य थोड़ा उसके बारे में मैं चाहता हूं कि आप तफसील से बताइए थोड़ा सातवीं आठवीं पीढ़ी लाला किशन लाल के पहले से जी मनीष जी आपको बता दें कि इस वक्त बहुत जगह आपने नाम देखा होगा लिखा है कि अयोध्या से आए कलाकारों के द्वारा यहाँ भजन कीर्तन और जगराता का कार्यक्रम किया जा रहा है आप ठीक मंच के सामने देख सकते हैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि रामोत्सव आपके मंच है जिस पर देखा जाए तो जो तमाम जो वर्णन है रामायण के उसको मंच पर लगाया गया है साथ ही साथ जो इसके सचिव है संयोजक उनके द्वारा जो एसबाग में जो वेबसाइट है साथ ही साथ ऑनलाइन माध्यम में उसकी जानकारी दी जा रही है और आप ठीक सामने देख सकते हैं कि मंच पर जो सिंहासन है वो जो रामायण का पाठ होता है उस दौरान सिंहासन का उपयोग किया जाता है कलाकारों के द्वारा बनाया गया है साथ ही मंच पर अगर देखेंगे आप तो दाहिने हाथ पर जो तमाम जो कुटिया होती है उसके मॉडल रखे हैं जो कुटियों में बैठकर ऋषि मुनि जाप किया करते थे पूजा पाठ किया करते थे उसको बनाया गया है और पूरी तरह से ये हाईटेक मंच है वहीं अगर बात करें तो सुरक्षा की दृष्टि से भी ये जगह कहीं ना कहीं अगर देखें तो बाढ़ भी भीड़ होती है यहाँ लखनऊ कमिश्नर ने सराहनीय कार्य करते हुए यहाँ की पूरी ट्रैफिक व्यवस्था साथ ही साथ यहाँ अजावक तत्व कोई छेड़खानी ना करे कोई शैतानी ना करे इसको लेकर भी विशेष निगरानी रखा है वहीं आप बताना चाहेंगे मनीष जी की महज अगर देखें तो एक घंटे में लगभग 9 बजे के करीब ये जो भारत का पाठ होता है उसकी शुरुआत हो जाएगी जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जो सकारात्मक जो है अगर देखें तो जो बुराइयों पर अहंकार पर जो उन्होंने जीत हासिल की थी उसका वर्णन किया जाएगा वहीं मैं आपको अपने सहयोगी से कहूंगा कि दिखाएं कि यहाँ धीरे धीरे श्रद्धालुओं का आना लगा हुआ है और अब धीरे धीरे कुर्सियां भरते गई हैं अगर देखा जाए तो ये सभी उत्सुक हैं कलाकार कि जो रामायण का वर्णन है उसे सुनने के लिए यहाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं कि कई लोग हैं जो यहाँ मौजूद हैं उनसे भी हम बात करने की संवाद करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि रामायण का महत्व क्या है अच्छा हम आप हमें सबसे पहले अपना नाम बता दें आपने अपना नाम बताया और हमें ये बताया कि आज की पीढ़ी के लिए रामायण कितना महत्वपूर्ण है क्या हमें ये बताया कि आज की पीढ़ी के लिए रामायण कितना महत्वपूर्ण है रामायण आज की पीढ़ी के लिए रामायण जितना खाना खाना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है रामायण का पाठ करना अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अंदर देखे तो जो विचार थे वो काफी सकारात्मक थे और मनोबल बढ़ाने वाले थे अहंकार तो उन्होंने जीत हासिल की थी इसके बारे में कुछ बताएं अहंकार जो है भगवान राम विष्णु अवतार हैं उनका भोजन है इसलिए जो है अहंकार का कोई महत्व नहीं है लेकिन आदमी सोचता नहीं है वो अहंकार में डूबा रहता है तो आपने सुना कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से हम काफी कुछ सीख सकते हैं हमारे साथ एक और व्यक्ति महिला मौजूद है आंटी मौजूद है जिनसे हम बात करेंगे हमें ये बताएं मैम हमें ये बताएं आज की पीढ़ी के लिए हमारे कितना महत्वपूर्ण है तो अगर देखा जाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम सकारात्मक विचार के थे उनके अगर देखे तो उनके जो वसूल है उस पर चल के इंसान काफी सफल हो सकता है इस पे आपका क्या सोचना है मैं तो ये कहूंगी कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे उनका तो पूरा जीवन ही हमारे लिए आदर्श से भरा हुआ है एक आदर्श पुत्र आदर्श पिता आदर्श बेटे सब कुछ मतलब आदर्श पति तो उनका तो हमें पालन करके हमारा जीवन जो है वो सफल हो जाएगा सार्थक हो जाएगा हमारा मानव जीवन में जन्म लेना यदि हम श्री रामचंद्र जी के एक छोटे से भी उनका जो कृत्य थे उसका अनुसरण कर सकेंगे तो अच्छा हमें ये बताएं कि आज की जो पीढ़ी है कहीं ना कहीं इंटरनेट और मोबाइल में व्यस्त है और आज की जो पीढ़ी है वो कहीं ना कहीं मोबाइल इंटरनेट में व्यस्त है रामायण उनके जीवन में क्या बदलाव ला सकता है और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो अगर देखिए पिछली पीढ़ी थी वो रामायण का पाठ करती थी एक उम्र पे एक समय पे मगर आज कहीं ना कहीं लोग दूरी बना रहे हैं इस पे आप क्या कहेंगे देखिए सबसे पहले तो मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ मैं केंद्रीय विद्यालय एएमसी में
टीचर हूँ, तो मेरा काम ही है शिक्षा देना। तो अभी जैसे आप मोबाइल इंटरनेट की बात कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग लॉकडाउन ये बहुत सक्सेसफुल रहा और मैंने इसके थ्रू बच्चों को पढ़ाया भी है। लेकिन उससे ये हुआ है कि जो बच्चे हैं अब थोड़ा सा वो डिप्रमित हो गए हैं, उन्होंने पढ़ाई छोड़ के बाकी चीजें शुरू कर दी हैं। तो ये बीइंग अ टीचर ये मेरा भी मतलब और बाकी भी जो समाज के यानी पेरेंट्स का भी ये बन जाता है उद्देश्य कि वो अपने बच्चों को मोबाइल से हटाएं और बाकी जो इस तरह की एक्टिविटीज समाज में हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करें। शुक्रिया हमसे बात करने का। साफ तौर पर कहना था मनीष जी कि कहीं ना कहीं मोबाइल जो है वो समाज के अंदर में और ये पेशा से शिक्षिका है, उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सकारात्मक और मनोबल बढ़ाने का काम करता है मोबाइल। और अगर बच्चे इसका स्मरण करें तो कहीं ना कहीं उनके जिंदगी में बेहतरी आ सकेगी। जी सुहानी हम आपके पास चलते हैं। आपके कर्म आप माता कालरात्रि के प्राचीन मंदिर में इस समय मौजूद है और वहाँ पर देश का मतलब भारी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी है जो माँ के दर्शन करने के लिए आई हुई है। आपको वहाँ का क्या व्यंग्यम दृश्य दिख रहा है इस समय? समाज में आपको बहुत सारे काम करने होते हैं। आपको बता दें कि इस समय हमारे संवाददाता सुहानी सिंह चौक स्थित प्राचीन मंदिर माँ काली जी के प्राचीन मंदिर में स्थित हैं, उपस्थित हैं वहाँ पर और वहाँ पे श्रद्धालुओं से बात कर रही हैं। वहाँ के पंडाल का व्यंग्यम दृश्य जो भी वहाँ पे मौजूद है वो आप सबके सामने ला रही हैं। और भाई विभांशु रामलीला मैदान से हमारे साथ उपस्थित हैं और वहाँ की पल-पल की खबर पल-पल की अपडेट आप तक दे रहे हैं। विभांशु आपके पास एक बार और आएंगे, आप वहाँ रामलीला का मंचन कितनी देर में वहाँ पे शुरू हो जाएगा और वहाँ पे आपको क्या इस समय उपस्थिति लोगों की दिख रही है और कितना श्रद्धा भाव वहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं इस समय वहाँ पे खड़े होकर? जी मनीष जी आपको बता दें कि साफ तौर से अगर आप देखें तो 9 बजे से इस पाठ की शुरुआत की जाएगी और धीरे धीरे जो श्रद्धालु हैं आने का सिलसिला तेज होता है। और देख सकते हैं कि सामने की जो कुर्सियां हैं उससे आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर एक विशेष तरह का उत्साह है। और रामायण में जो तमाम हर अगर पाठों में देखें तो एक बेहतर सीख है बेहतर इंसान बनने के लिए, तो इसमें कहीं ना कहीं ये सभी लोग वहाँ पाठ से कहीं ना कहीं अनुसरण करके अपनी जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। वहीं कहीं ना कहीं अगर देखें तो 9 बजे से जब इस मंच की कहीं गरिमा बढ़ाएगा रामायण का जो पाठ होगा तो वो घर से बैठे लोग दूर दराज के क्षेत्रों से भी देख सकते हैं। अगर बात की जाए तो कोविड काल के बाद से जो हमारे प्रबंधन समिति है उसकी तरफ से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी रामायण का प्रसारण दिखाने जा लगा, जिससे कहीं ना कहीं जो दूर दराज बैठे लोग चाहे अगर एक जिसका रामलीला मैदान से लगाव होगा या वो व्यक्ति जो यहाँ के रामलीला का जो मंचन है उसे देखा होगा। जी जी विभांशु हम रितेश के पास चलते हैं। रितेश क्या माहौल है वहाँ का और आप भी लोगों से बात करिए थोड़ा सा और जानकारी लेने की कोशिश करिए कि वहाँ पे इस समय का क्या व्यंग्यम दृश्य आपको देखने को मिल रहा है और श्रद्धालुओं की क्या श्रद्धा रूप में वहाँ पे आके माता के दर्शन कर रहे हैं, थोड़ा सा बात करिए। बहुत कम रखा है क्योंकि कार्यक्रम इतने ज्यादा है, फिर भी कभी कभी ज्ञान वायु आपके
वही हम आपको माता का दरबार। सुहानी हम आपके पास आते हैं। सुहानी, सभी श्रद्धालुओं को वहां पे आते आते देख रही हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु आके माँ के दर्शन कर रहे हैं। आपने पूरा वहां का वातावरण महसूस किया है, क्या आपको लग रहा है वहां पे कितना भक्तिमय वातावरण आपको वहां पे दिख रहा है? यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं तो बहुत ही उत्साह के साथ माँ के दर्शन अभी तक कर रहे हैं, लेकिन इस टाइम माँ की जो आरती का टाइम हो गया है इसकी वजह से जो दर्शन करने का जब रोक दिया गया है, यहाँ के जो पंडित है वो तैयारी कर रहे हैं माता की आरती के लिए, इसके वजह से दर्शन को रोक दिया, कुछ देरों के लिए रोका गया है। तो आइए यहाँ से जो और भी दर्शक है उनसे हम जो यहाँ के श्रद्धालु माँ से बात करते हैं कि वो कितने सालों से यहाँ पे पूजा कर रहे हैं और कितने सालों से माँ के दर्शन करने आ रहे हैं। तो आप कुछ बताएंगे मैम कि आप कितने सालों से माँ के दर्शन करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, कितने सालों से माँ यहाँ पे आ रहे हैं, क्या क्या आप माँ की चढ़ावा में ले चुके हैं? आप देखिए, आप यहाँ पे माँ के त्योहार में ये भी माँ के श्रृंगार के पीछे नारियल और चुनरी यहाँ पे चढ़ा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ जो है थोड़ी सी कम हो रही है क्योंकि माँ के आरती का समय हो जाना चाहूंगा कि यहाँ के श्रद्धालुओं से थोड़ा सा जानने की कोशिश की, बहुत पौराणिक मंदिर है ये, तो यहाँ की क्या मान्यता है, लोग यहाँ पे लंबे समय से आ रहे हैं, थोड़ी पौराणिक मान्यता को जानने की कोशिश करिए, इतना महत्व क्यों है इस मंदिर का? बचपन से आज अपनी माँ के दर्शन करने, तो कुछ यहाँ की विशेषताएं बताइए अब माँ की बड़ी करनी है, क्या विशेषताएं जो आप बचपन से आपके घर वाले आप दर्शन करने आते हैं? यहाँ पे आके जो भी एक विश करते हैं मैक्सिमम टाइम पूरी हो जाती है, अच्छा लगता है। तो आप माँ के त्योहार में क्या क्या लेके जाती है आपको? नारियल, मेवा, फल, तो आप बचपन से यहाँ दर्शन करने आ रही है दीदी माँ का? कितने साल तक भी आपको आपके घर वाले आरती होती है क्या ऐसी बात है हो सकती है, हमें तो ऐसा नहीं पता था। आइए और भी लोगों से हम बात करते हैं यहाँ पे कि कितने सालों से आप यहाँ पे दर्शन करने आ रहे हैं? 20 सालों से आप आ रहे हैं, तो ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है लखनऊ की, तो इसके बारे में कुछ और भी आप बताइए कितने साल से? मैम यहाँ पे आने से मनोकामना पूरी होती है, परिवार में कल्याण रहता है और जो भी आपकी मानसिक इच्छाएं होती है पूरी होती है, श्रद्धा है हम लोगों की बहुत पुरानी, तो उसी हिसाब से हम लोग हर साल आते हैं, हर नवरात्रि में आते हैं। तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि सिर्फ नवरात्रि में ही नहीं, सोमवार और शुक्रवार से ही हजारों के संख्या में दूर दराज से लोग दर्शन करने आते हैं। हाँ जी आते हैं, हम खुद बाराबंकी से आए हैं जी। आप बाराबंकी से? आप 20 सालों से बाराबंकी से आप दर्शन करने आते हैं, आपके परिवार भी आपके साथ है? हाँ जी, मेरी वाइफ, पत्नी है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, चार सब लोग हैं। तो आपने देखा मनीष, बाराबंकी से आ रहे हैं सर और ये अपने पूरे परिवार के साथ दर्शन करने 20 सालों से आ रहे हैं, इनका मानना है कि ये मंदिर में जो भी हम मनोकामना अपने दिल से माता की पूजा करते हैं तो वो पूरी हो जाता है। आइए और भी दर्शक जो यहाँ पे हैं उनसे भी हम बात करते हैं। सर जी, मैम आप कितने सालों से पूजा करने यहाँ पे आ रहे हैं? बहुत साल से आ रहे हैं। बहुत साल से? और क्या क्या माँ के चढ़ावा में लेके जाते हैं? और नारियल वगैरह है। तो आप मुझे सभी जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु है वो सभी माँ को चुनरी, नारियल सब चढ़ावा में लेके जा रहे हैं जी। सुहा यहाँ पे जो भी मांगो मतलब मिलता है, आपका मानना है कि जो भी आप मनोकामना मांगते पूर्ण होगी? कुछ मैं यहाँ पे कुछ आप ऐसी मनोकामना मांगी आपको पूर्ण हो गया? मेरा तो सभी मनोकामना पूरी हुई है। आप माँ की तरह में क्या क्या लेके जाती हैं? नारियल है, चुनरी है,
मेहंदी का कौन है, सिंगार का कौन है, सिंगार की सारी सामान और आपकी माँ को लाल रंग की सारी चीजें सिखाई जाती है, मान्यता है माँ। आई और भी लोगों से हम बात करते हैं और जी मैम किसी तरह से सोनी अब हमारे साथ हम चलते हैं और जितने भी यहाँ के श्रद्धालु हैं सभी लाल कलर का ज्यादा यूज कर रहे हैं। उनका कहना मानना है कि माँ जो है वो लाल रंग की जो चिमटी प्रसाद और जो गुड़ का फूल है उसकी माँ प्रसन्न हो गई है, इसलिए जितने भी श्रद्धालु हैं वो सभी लाल रंग का ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब हम चल रहे हैं विभांशु के पास, क्या ताज़ा अपडेट वहाँ पे आपको मिल रही है, क्या ताज़ा जानकारी आपको मिल रही है? जैसे मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ कि वहाँ पे नृत्य की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है और इसके बाद रामलीला का मंचन भी शुरू हो जाएगा, भक्तों के भी काफ़ी जमावड़ा वहाँ पे हो चुका है, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, ताज़ा जानकारी आपके पास क्या आ रही है? आपको बता दें कि 9 बजे से इस रामलीला का मंचन का शुरुआत होगा और अगर बात करें तो रामलीला मैदान का रामलीला मैदान है, यहाँ शाम ढल से कलाकारों का मंच सज जाता है। यहाँ संगीत है पुष्कर, अगर देखें तो कलाकार अपने नृत्य के प्रदर्शन से लोगों का मन मोहने का प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विभांशु आपको रोकना चाहेंगे। अब हम आपको लेके चलते हैं जानकीपुरम में अपने रितेश संवाददाता रितेश के पास। रितेश क्या जानकारी वहां पर इस समय आ रही है, वहां पर श्रद्धालुओं की क्या उपस्थिति है, कितना श्रद्धा भाव आपको वहां पर दिखाई दे रहा है और कब से लगता है कि कब से वहां पर माँ के श्रृंगार और भक्तों का कितना आप देख पा रहे हैं वहां पे, थोड़ा मैं चाहता हूँ वहां की जानकारी दीजिए। वहाँ से हट करके दूसरे प्रांगण में पहुंचे हैं जहाँ पर काफी झूलों का आयोजन किया गया है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों के लिए मनोरंजन के लिए झूलों का ट्रेन का और सारी चीजों का व्यवस्था किया गया। हमारे साथ यहाँ के व्यवस्थापक जो आयोजन करता है वो हमारे साथ जो जो अध्यक्ष है सद्भावना सांस्कृतिक समिति के जो अध्यक्ष वो हमारे साथ बात करने के लिए, उनसे हम कुछ बात करेंगे, कुछ जानकारी और देना चाहते हैं इस मेले के आयोजन के बारे में बताए। मेले के आयोजन में जो सुरक्षा की व्यवस्था अच्छे से और यहाँ पे अच्छा जो है।
बिल्कुल हमारे साथ कुछ महिलाएं भी जुड़ेंगी, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप यहाँ नवरात्र में माँ को कैसे। रितेश थोड़ा वक्त का अभाव है, जी 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 थोड़ा सा वक्त का अभाव है, मैं आपको प्राचीन काली मंदिर से हमारे साथ मौजूद हमारी संवाददाता सुहानी सिंह, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और विभांशु रामलीला मैदान ऐशबाग से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और रितेश आप जानकीपुरम से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी सुंदर अपडेट देने के लिए, माता के पंडालों का सर निरीक्षण कर और उनका जानकारी देने के लिए वहाँ के, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नवरात्रि के सातों दिन माँ कालाती की उपासना का आज विधान था, आपने जैसा कि देखा कि हमारे संवाददाताओं ने जगह जगह पर जाके राजधानी में माँ कालाती के पंडालों का और नवरात्रि की वो खूबसूरत दृश्य आपको दिखाए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही, देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।